हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्रैश बैरियर के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्रैश बैरियर आप जानते हो, मेटल क्रैश बैरियर है ये जो रोड के साइड में हम लगाते हैं, जो टर्निंग पॉइंट होती है, जो एक्सीडेंटल पॉइंट होती है, तो उसके साइड में हम लगाते हैं ताकि जो व्हीकल्स हैं, ट्रेवल व्हीकल्स हैं, वो एक्सीडेंट ना हो और सेफ्टी प्रोवाइड करें। फ्रेंड्स, तो अभी मेरा रोड का BMBC कंप्लीट हो चुका है, इसकी मार्किंग अभी बची है और तो अभी क्रैश पेडी, मेटल क्रैश पेडी इंस्टॉल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मेटल क्रैश बैरियर ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये उसका पोस्ट है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर जो इसकी हाइट है, इसमें हम क्या करते हैं, लगभग उसके हाफ में हम उसका फाउंडेशन कटिंग करते हैं। आप देख रहे हो, हाफ में उसका फाउंडेशन इसके हाफ में कटिंग है और ये इसकी ब्लेड है, जो सामने फेस ब्लेड होगी ये 4 मीटर की है। तो हर दो दो मीटर पे पोस्ट इंस्टॉलेशन है और 4-4 मीटर की ये। सो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि पोस्ट को एक लाइन हो जाएगी, उसके बाद से इसकी जो नट बोल्ट है उसको सेट करने के बाद इसकी कॉन्क्रीटिंग कर देंगे हम लोग। और मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ, ये देखो, आप इधर देख रहे हो, इधर इंस्टॉल हो चुकी है, सिर्फ इसकी कॉन्क्रीटिंग बाकी है। ये आप देखो जी, पोस्ट इंस्टॉल हो चुका है, ये देखो आप, ये इंस्टॉल हो चुकी है। और देख लो आप, वो जो है वो उसका जॉइंटर है, ये पोस्ट है और ये जॉइंटर जो ब्लेड और पोस्ट दोनों को जॉइंट करता है, तो ये उसका जॉइंटर है और इसका ब्लेड है। ये नट बोल्ट पे, आप ये देखो, ये जो नट बोल्ट है इस पे ये टाइट होता है। ओके, मैं दिखाता हूँ, ये पोस्ट का नट बोल्ट है, ये है, ये इसकी नट बोल्ट है, ये देखो, ये इसका नट बोल्ट है। ये जो नट बोल्ट है वो जो ब्लेड है उसकी नट बोल्ट है और इसको टाइट करते, ये देखो आप, ये ब्लेड में ये नट बोल्ट लगी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो कि जो मेरा ब्रिज है उसके बोथ साइड में देखो कितना डीप है, जो कि एक एक्सीडेंटल पॉइंट बनता है। अगर कोई व्हीकल्स उधर से आती है या फिर इधर से जाती है तो उसके लिए एक्सीडेंटल पॉइंट बन जाता है, इसलिए हम इसके बोथ साइड में क्रैश बैरियर, मेटल क्रैश बैरियर इंस्टॉल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं इसका आपको फाउंडेशन दिखाता हूँ, ये देखो आप, ABM ये शुरू हो चुकी है और इसका ये फाउंडेशन है। सो फ्रेंड्स, मैं अपने DPR में आपको अभी दिखाऊंगा कि जो इसकी डिटेल्स दी हुई है, मेटल क्रैश बैरियर की जो डिटेल दी हुई है वो किस किस डायमेंशन में और क्या दी हुई है। इसकी लेंथ जो हमारी साइट पे प्रोजेक्ट पे है वो 520 मीटर है, पूरे प्रोजेक्ट में 6.318 किलोमीटर मेरा रोड है, तो पूरे प्रोजेक्ट में 5 किलोमीटर ये दी हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अपना DPR दिखाता हूँ उसकी पूरी डिटेल्स को। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, ये मेरे DPR जो मेंशन है मेटल बीम क्रैश बैरियर के बारे में, उसकी डिटेल्स है इसमें। आप देखें, मेटल बीम क्रैश बैरियर 520 मीटर, ये मेरे DPR में है, इस साइड पर 520 मीटर DPR में मेंशन। ओके, मेटल बीम क्रैश बैरियर प्रोवाइडिंग एंड इरेक्टिंग ए W मेटल बीम क्रैश बैरियर कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ 3 mm थिक कॉरुगेटेड शीट मेटल बीम रेल 70 mm अबव द रोड और ग्राउंड लेवल, फिक्स्ड एज ISMC सीरीज चैनल वर्टिकल पोस्ट 150x775x5 स्पेस 2 मीटर सेंटर टू सेंटर, 1.8 मीटर हाइट एंड 1.1 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। मतलब जो उसकी थिकनेस होगी वो 3 mm होगी और ग्राउंड से, और जैसे कि मैंने बताया साइड पे आपको,
कि जो पोस्ट की जो दूरी होगी वो 2 मीटर होगी सेंटर टू सेंटर। ओके, जो इसकी पोस्ट की होगी वो 1.8 मीटर होगी, और जिसमें 1.1 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल उसके बिलो 1.1 मीटर, और उसके ऊपर बाकी पोर्शन। ओके, इसकी बाकी इसकी क्रॉस सेक्शन, चैनल की क्रॉस सेक्शन दी हुई है 150x75x5 mm। सो फ्रेंड्स, ये मेरे DPR में मेंशन है कि मेटल बीम क्रैश पैडिंग की स्पेसिफिकेशन दी, डिटेल्स दी हुई है कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, साइज़ कितनी होनी चाहिए, उसकी पोस्ट की साइज़ कितनी होनी चाहिए। ये जो हमारा साइट पे भी चल रहा है, जो हमने कुछ वर्क किया था, तो ये आप देख रहे हो ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये बोथ साइड हमने क्रैश पैड हिली एरिया है और एक तरफ डाउन है। ये ध्यान रखना है कि क्रैश ऐसा नहीं है कि पूरी शेयर सुपर एलिवेशन हो तो हम वहाँ क्रैश बैड यूज़ कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर ग्राउंड से, रोड से, अगर फ्लैंक वाले एरिया जिधर हमें क्रैश बैड लगाना है वो एटलीस्ट 3 मीटर से ज़्यादा डीप डेप्थ हो तो वहाँ हम मेटल बीम क्रैश बैड का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो दोनों पोर्शन है, एक हल्की टर्निंग है वहाँ हमने यूज़ किया है, बगल का एरिया आप देख रहे हो वो डाउन है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।